हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में दिल से स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का 9 बजे का टाइम और अब मेरी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। और आज मेरे जो है सीने में बहुत दर्द है, ठंडे की वजह से शायद हो रहा होगा। तो यहाँ सीने में जो है वो ऐसे सांस लेने में दर्द हो रहा, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी और क्या बना रही हूँ आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आज है संडे और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ चावल, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको चावल नहीं खा रखा है। तो आज चावल बनाऊंगी और ये आपको दिख रहा होगा लाल लाल सा, हरा हरा सा, तो ये है पहाड़ी पालक और ये मैंने धो के रख दिया है, बिन के साफ करके धो के रखा हुआ है। और इसका मैं आज बनाने वाली हूँ कापा, तो कापा और भात बनाने वाली हूँ आज। तो बने रहें आप मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने ना पालक को काट के उबालने रख दिया है और थोड़ा सा इसको हल्का बॉईल करके इसको मैं थोड़ा हल्का हल्का पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, थोड़ा सा मतलब इसको हल्का सा पीस लूँगी। और इसमें मैंने अदरक कोर के भी डाल दिया है ताकि वो साथ ही पीस जाए, क्योंकि बच्चे ना मुँह में लगता है अदरक, इसलिए अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है कस के। और ये भुगते हैं जो मैंने कल रात बनाए थे, बच्चे अभी चाय के साथ खा रहे हैं, अच्छा मान रहे बच्चे इनको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पालक पीस दिया है और कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा सा। तो ये मैंने पीस के तैयार कर दिया है और ये प्याज काटा है मैंने, और आप टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें। और इसको मैं बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में, और ये कढ़ाई ना पूड़ी उड़ी बनाने से काली हो जाती है, लोहे की कढ़ाई में तो यही चीज़ें बनती हैं तो काली पड़ जाती हैं। और ये मैंने तेल रख दिया है तड़का लगाने के लिए। तो दोस्तों, पालक का कापा बनाना ना बहुत ही सरल होता है और ये हमारे उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पालक का कापा और भात। ठंडियों में पालक का कापा भात बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा तासीर उसकी जो है ठंडी होती है, इसलिए उसमें आप लौंग हो गया, काली मिर्ची, लौंग, अदरक, हींग का तड़का लगाओ और लाल मिर्च का तड़का लगाओ तो ये बहुत टेस्टी बनता है। पर आज मेरे को इतना टाइम नहीं है, अभी काम वाले आने वाले हैं, तो मैं सिंपल सा हींग का तड़का लगा दे रही हूँ और प्याज डाल रही हूँ, अदरक मैंने उसमें पीस दिया है। तो मैं तो सिंपल बना रही हूँ, लेकिन इसको जो है बहुत अच्छे से इसमें लौंग और एक और होता है चोरू, वो भी अगर डाल के बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। तो इधर मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ जीरा और हींग का इसमें तड़का लगाऊंगी। वैसे ना ऊपर से पालक बनने के बाद अगर हम ऊपर से तड़का लगाएं तो और ज़्यादा सही है, ऊपर से हींग का तड़का लगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और मेरा बिल्लू भी देखो कैसे देख रहा है, मेरे को देख रहा है कि कैसे बना रही है करके। तो ये सब सिंपल है और इसमें थोड़ा सा आटा भुनना पड़ता है ताकि वो जो मतलब आटे से वो लटपटा सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। और थोड़ा आटा भून के उसमें उसका टेस्ट बढ़ जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है आटा भूनने से। उन्हें को हम बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन से सिर्फ गाढ़ा होगा, खुशबू नहीं आएगी, और आटा भून के हम डालेंगे तो उससे खुशबू भी बनी रहेगी और एक टेस्ट अलग सा आएगा, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए, मैंने इसमें प्याज भून चुका है, उसी मैंने आटा डाल दिया है और धीमी धीमी आँच में मैं इस आटे को भून लूँगी। बाहर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी आवाज आपको आ रही होगी कानों में। तो मैं इसी में मसाला भी भून लूंगी, हल्दी पाउडर ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, उसका जो नेचुरल कलर है वो रहना चाहिए हरा हरा सा। और मिर्ची जो है थोड़ा तीखी करनी पड़ती है, तीखा स्वाद जो है कापे का अच्छा लगता, नहीं तो मीठा मीठा सा लगेगा वो खाने में। और ये है धनिया पाउडर, इसमें मैंने जीरा भी धनिया भी पीस के रखा हुआ है, तो ये मसाले भी साथ ही भुन जाएंगे इसमें। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसको मैं पकाऊंगी। पकने के बाद इसमें थोड़ा सा काला काला सा कलर आ जाएगा मिर्ची से। मेरे गले में खरखरी हो गई बहुत ज़्यादा, मेरी मिर्ची मेरे को बहुत जल्दी लगती है, चिमनी निकाल रखी है ना आजकल, तो इस वजह से मिर्ची की जो खोसे है ना वो लग रही मेरे को।
तो दोस्तों यहाँ पे कापा बनके तैयार हो चुका है और अब होने लग गई है खाने की तैयारी, और बच्चे हैं खड़े खाना खाने के लिए तैयार। अनुष्का तू भी खाएगी? मैं खा लिया। तू? हाँ। और ये निहारिका के लिए रख दिया है कापा और भात। निहारिका नींबू भी निचोड़ रही है ताकि खट्टा खट्टा सा टेस्ट अच्छा आए। अभी ना रात का टाइम हो गया है, मतलब शाम हो गई है और 9 बज गए हैं अभी, और मैं बना रही हूँ रोटी। और आज दिन भर बिल्कुल भी आप लोगों से बात करने का मुझे टाइम नहीं मिला, ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट करूँ और वीडियो बनाऊँ। इसलिए सारे काम हो गए थे और किसी जगह जाना हो गया था, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो नहीं बना पाई। तो ब्लॉग का एंड तो करना ही था मुझे रात तक, तो अभी मैंने सोचा थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ आप लोगों से, रोटी भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाया है चिकन। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं तुम लोगों ने चिकन नहीं खा रखा है, और आज तो तुम ले ही आना बच्चों के लिए और चिकन खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगी, टाइम तो नहीं है मेरे को चिकन बनाने का और बहुत देर हो जाएगी। कहते कोई बात नहीं, जब तक भी बनेगा बना लेना और खा लेना। तो आज मैंने चिकन बना रखा है नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपसे इजाजत लेती हूँ, बाय बाय।